हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय लाइफ क्रिएटिविटी में। तो देखिए फ्रेंड्स, सूखे हुए फूलों को यूज करना मैं आपको बताऊंगी, जो आज तक आपने कभी नहीं किया होगा। इस तरीके से हम सब अपने घरों में भगवान को फूल तो चढ़ाते ही हैं और उसको फेंक देते हैं इधर उधर, उसको रीयूज भी नहीं करते हैं। तो फेंकने से अच्छा है हम उसका यूज करें और अच्छा यूज करें जो उपयोगी हो। तो देखिए, हमारे यहाँ इधर उधर गाय तो होती ही है, तो वो गोबर ही कर ही देती हैं। तो गाय का जो गोबर होता है, अगर इसे ऐसे ही कंडा जला के रखें तो नहीं, उतना अच्छा नहीं जलता। उसमें कोई सूखी चीज़ और मिलाए तो अच्छा जलता है। तो ये सूखे हुए फूलों को इसमें मिला के ऐसे देखिए इनको मिला दीजिए कंडों को, इनके गोबर को और इनको सूखे फूलों को मिला दीजिए। और मिलाने के बाद ये देखिए इस तरह से इनको मिला दीजिए। आपको शायद ये गंदा लग रहा होगा हाथ से देखने में, लेकिन मेरी आदत है इसलिए मुझे गंदा नहीं लगता। तो देखिए इसको ऐसे मिला के इसको धूप में ऐसे रख देंगे, तो ये 2-3 दिन में बहुत अच्छे से, और इस समय बहुत अच्छी कड़ी धूप हो रही है, तो ये से देखिए 2-3 दिन में बहुत अच्छा सूख जाएगा। और उसके बाद आप इसको हवन में जलाएंगे, बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और आपके घर की नेगेटिविटी भी दूर होगी। और ऐसे बस रख दीजिए, फिर शाम जब आप इसमें धूप जलाते हैं या हवन करते हैं उसी में जलाइए, बहुत अच्छा जलेगा। और ये देखिए बहुत अच्छा जलेगा, महकेगा, पूरा घर महकेगा और आपका सामान भी यूज हो जाएगा। ये देखिए, आज तक आपने ऐसा प्रयोग कभी नहीं किया होगा, लेकिन एक बार करके देखिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। जब आप इसे जलाएंगे हवन के साथ, तब आपको समझ में आएगा कितनी अच्छी चीज़ है जो आप फेंक दिया करते थे। और ये सब आसानी से मिल जाने वाली चीज़ें हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत मुश्किल होगा, ये आसानी से मिल जाएगा। बस देखिए ये बस इसे धूप में 3-4 दिन रखिए, ये अच्छे से सूख जाएगा। और इस समय कड़ी धूप हो भी रही है, बस 3-4 दिन की ज़रूरत है धूप की, उसके बाद ये अपने आप सूख जाएगा। फिर आप इसे जला के देखिए और अपने घर को महकाइए। एक बार करेंगे तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा, वो बार बार करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।